Hello students, today we read our lesson 3, sports. What is given sports? Sports means खेल, जो भी हम बहुत सारे अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, दीज आर स्पोर्ट्स. आउटडोर गेम्स एंड देयर नेम्स. आउटडोर मीन्स कि जो गेम्स हम घर से बाहर खेलते हैं. डोर मीन्स दरवाज़ा, आउट मीन्स बाहर, यानी कि घर के दरवाजे से जो गेम्स हम बाहर खेलते हैं वो कौन सी गेम्स होती है? आउटडोर गेम्स. एंड देयर नेम्स, और उनके नेम्स. वैसे हम टूर जैसे स्पोर्ट्स, हेयर इज गिवन ओनली आउटडोर गेम्स, बट वी कैन प्ले गेम्स इनडोर ऑल्सो. इनडोर मीन्स, इन मीन्स अंदर, डोर मीन्स दरवाजे के, जो घर के अंदर हम खेलते हैं वो वाले गेम्स. बट इन दिस लेसन वी रीड अबाउट आउटडोर गेम्स. आउटडोर मीन्स जो हम घर के बाहर खेलते हैं, और उनके नेम कौन कौन से हैं. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. स्पोर्ट्स हेल्प अस टू एक्सरसाइज आवर बॉडीज. कि स्पोर्ट्स मीन्स खेल, हेल्प करते हैं किसमें? हमारी बॉडी की एक्सरसाइज करने में हेल्प करते हैं. क्या हेल्प करते हैं? स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स मीन्स गेम. हैव फन, और साथ ही साथ फन मीन्स मजे लेना. जैसे आप गेम खेलते हो, मजे आते हैं आपको, तो जो स्पोर्ट्स है वो किस लिए भी खेलते हैं हम? मजे लेने के लिए, फन करने के लिए. एंड मेक फ्रेंड्स. और अब एक बात बताओ कि आप अकेले तो गेम खेल नहीं सकते, नहीं खेल सकते ना, तो आपको कौन चाहिए? आपके फ्रेंड्स चाहिए. तो उससे क्या है, अगर आप किसी के साथ गेम खेलते हो तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं. रीड अगेन दिस लाइन. स्पोर्ट्स हेल्प अस टू एक्सरसाइज आवर बॉडीज. कि स्पोर्ट्स जो गेम्स है, हेल्प करते हैं किसमें? एक्सरसाइज करने में, हमारी बॉडी की में. और हैव फन, और हमें मजे लेने में हेल्प करते हैं. एंड मेक फ्रेंड्स, और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं. क्या हेल्प करते हैं? स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स मीन्स गेम. आउटडोर गेम्स हेल्प अस टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग एज अ टीम. जो आउटडोर गेम्स है, इट मीन्स कि जो घर के बाहर खेलते हैं वो वाले गेम्स हेल्प करती हैं किसमें? कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग एज अ टीम. कि हमें कैसे एक टीम की तरह काम कर सकते हैं, और उसका क्या इम्पोर्टेंस, उसका क्या महत्व है. आउटडोर गेम्स हेल्प करेंगे किसमें? यह जानने में कि हम वर्किंग एज अ टीम, कि एक टीम की तरह हम कैसे काम कर सकते हैं. स्पोर्ट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स. जो स्पोर्ट्स हैं वो कितने टाइप्स में डिवाइड होते हैं? हमारे टू टाइप्स में. वी आर रीडिंग अबाउट आउटडोर गेम्स, बट वन अदर नेम इज इनडोर गेम्स. इट इज गिवन इनडोर एंड आउटडोर. इनडोर मीन्स जो घर के अंदर खेलते हैं, एंड आउटडोर मीन्स जो हम घर के बाहर खेलते हैं. लेट अस लर्न अबाउट फ्यू आउटडोर गेम्स. चलो अब हम किसके बारे में रीड करेंगे? आउटडोर गेम्स के बारे में. बैडमिंटन वॉज द फर्स्ट प्लेड एज अ स्पोर्ट इन द ओलंपिक्स. की बैडमिंटन जो गेम है, आप ये देख रहे हो, बैडमिंटन किससे खेलते हैं? हम इससे खेलते हैं कि जो बैडमिंटन गेम है वो सबसे पहले ओलंपिक गेम्स में कब खेली गई थी? 1992 में. 16 फीडर्स आर यूज टू मेक द शटल कॉक्स. टल कॉक्स मीन्स होता है जो आप इसके साथ जो आप चिड़ी बल्ला जो बोलते हो, जिसको चिड़ी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड शटल कॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं? चिड़ी. तो उसके अंदर कितने फीडर्स, पंख लगे होते हैं? 16 फीडर्स. कितने पंख लगे होते हैं? 16 फीडर्स. इट वेट्स बिटवीन 4.74 या फिर 5.5 ग्राम्स. और इसका वेट, वजन कितना होता है? 4.74 ग्राम्स या फिर 5.5 ग्राम्स. हेयर यू आर सीइंग अ पिक्चर. इट इज द पिक्चर ऑफ शटल. किसकी पिक्चर? हमारी
सटल की। और सटल क्या होती है, जिसको हम किसके साथ खेलते हैं, रैकेट के साथ खेलते हैं। और इसके अंदर जो फीदर्स हैं, ये वाले फीदर्स हैं, कितने होते हैं हमारे 16। और इसका वेट कितना होता है, 5.5 ग्राम्स या फिर 4.7 ग्राम्स। Here is given a question. In which year was badminton first played in the Olympics? कि ओलंपिक में सबसे पहले बैडमिंटन जो गेम कब खेली गई थी? We are seeing here in 1992. तो our right answer will be 1992. Here is given a fact. The first tennis ball were made with the wool or hairs wrapped up इन लेदर। कि जो हमारी टेनिस की जो बॉल होती है वो किससे बनी होती है, या तो वूल से बनी होती है, वूल, या फिर किससे बनी होती है, हेयर से। और वो किसके अंदर रैप की होती है, लेदर के अंदर। लेदर एक टाइप का हमारा कपड़ा होता है जो एनिमल्स के स्किन से बनता है, तो वो उसके अंदर क्या रैप की होते हैं, हेयर्स। नेक्स्ट हेयर इज गिवन सेकेंड क्वेश्चन। द फर्स्ट टेनिस बॉल वर मेड ऑफ वुड। कि जो फर्स्ट टेनिस बॉल थी वो किससे बनी थी, हमारी वुड से बनी थी। वुड मीन्स लकड़ी, बट यहाँ पे क्या बोल रखा है कि वूल। वूल मीन्स ऊन, जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, ऊन। या फिर किससे बनी थी, हेयर से। इट इज फॉल्स। तो आवर आंसर विल बी फॉल्स। टेनिस इज अ गेम दैट इज प्लेड इंडोर और आउटडोर। टेनिस एक ऐसा गेम है जिसको हम इंडोर घर के अंदर भी खेल सकते हैं और आउटडोर घर के बाहर भी खेल सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स टू प्लेयर्स व्हेन प्लेइंग सिंगल्स। अगर आप जैसे कि इसके अंदर क्या है, टू टाइप्स से हम गेम खेल सकते हैं। कैसे, अगर आप सिंगल सिंगल खेल रहे हो तो क्या होगा, एक जो नेट होता है हमारा, इस तरह से एक प्लेयर यहाँ पे होगा और एक प्लेयर यहाँ पे होगा। तो ये तो हमारे क्या है, सिंगल गेम है। एंड फोर प्लेयर्स व्हेन प्लेइंग डबल्स। अगर डबल्स वाले गेम खेल रहे हो तो टू प्लेयर्स हमारे यहाँ होंगे और टू प्लेयर्स हमारे यहाँ पे होंगे। बैडमिंटन्स बिकम एन ओलंपिक स्पोर्ट्स इन 1992 एट द बैरेक्लॉन ओलंपिक्स। जो बैडमिंटन गेम है ओलंपिक स्पोर्ट्स का अपना था 1992 में। यू रीड दिस लेसन carefully. Here you are seeing a picture. You are seeing one player is here and one player is here. It means ki it's a single player game. It's a single player game. And you are seeing a picture here. You are seeing here is two players and here is two players. Two players yahan pe khel rahe ho, two players yahan pe khel rahe ho. So it means it is the double प्लेयर्स गेम। कि टू प्लेयर यहाँ पे हो गए, टू प्लेयर यहाँ पे हो गए, तो टोटल कितने प्लेयर्स हो गए हमारे, फोर। और सिंगल में हमारे कितने प्लेयर्स हो जाते हैं, टोटल सिंगल में हमारे हो जाएंगे टू प्लेयर्स।